संकट के बीच जिला हमीरपुर के गलोड़ क्षेत्र का सैनिक रोहिन कुमार जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। गलोड़ खास के 24 वर्षीय रोहिन कुमार ने पूंछ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में शहादत पाई है। वतन पर कुर्बान होने वाले देवभूमि हिमाचल के लाल रोहिन कुमार को आज उनके पैतृक गांव गलोड़ खास में सैन्य सम्मान के साथ अश्रुपूर्व विदाई दी गई। रोहिन कुमार के पार्थिव शरीर को उनके चचेरे भाई मोहित कुमार ने मूर्खाग्नि दी। कैप्टन रुपेश राठौर के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने सैन्य परंपराओं के अनुसार शहीद को सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी। शहीद रोहिन कुमार की पार्थिव देह सेना के हेलीकॉप्टर में NIT हमीरपुर के परिसर में पहुंची। यहां से सेना की गाड़ी में पार्थिव देह सैनिक के पैतृक गांव में खास गलोड़ पहुंचाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, CM जयराम ठाकुर ने शहीद रोहिन के आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। जो शहीद सिपाही रोहिन कुमार ने, रोहिन कुमार एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही ट्रेनिंगशुदा जवान था, जिसने 1 अगस्त को रात्रि लगभग 00:45 आवर्स पर दुश्मन के साथ जो है गोलाबारी या दुश्मन के साथ फायरिंग के दौरान में दुश्मन के फायरिंग से जो उसको स्नैपिंग हुआ है, उसको गोली लगी है, जिसके कारण उसने शहीद पाई। सर, किस सेक्टर की यह घटना है और कितने बजे की है? यह घटना लगभग रजौरी सेक्टर की है और लगभग यह 00:45 आवर्स की। फायरिंग दोनों तरफ से चल रही थी सर, क्या थोड़ा सा विवरण दीजिए। नहीं, दोनों तरफ से लगभग फायरिंग नहीं चल रही थी, दुश्मन की तरफ से अचानक फायरिंग हुआ है, जिसके कारण जो उसको गोली लगी। सर, इनके साथ और कौन जवान, हिमाचल के कोई जवान इनके साथ थे, ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, जवान तो सभी साथ ही रहते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन मोर्चा अप अपना होता है, सभी अप अपने मोर्चे से लड़ लेते हैं। मोर्चे की बात कर रहा हूँ, हाँ। वही साथ थे, कहीं किसी अन्य जवान को कोई घायल तो नहीं हुआ है इसमें? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ है, इनको ही गोली लगी। थैंक यू सर।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.